देखिए जैसा कि मैंने इसे टच किया वैसे ये हम पे हमला किया। दोस्तों ये जो स्नेक आप देख रहे हैं ये इंडियन रेड स्नेक है जिसको धामन सांप भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर चूहा खाता है और इसे ज़मीन में चूहे मेढक नहीं मिलते तो ये पेड़ में भी कभी कभार चढ़ जाता है और चिड़ियाँ और चिड़ियों के अंडों को खाने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं चंदन आया हूँ अभी बारीडी में। वास्तु विहार फ्लैट है जहाँ पे एक मंदिर है वहाँ पे एक सांप इंटर कर गया है तो यहाँ के लोग देखे और मुझे कॉल किए कि मंदिर के अंदर सांप घुस गया। आइए चल के देखते हैं आज हम कौन सा सांप रेस्क्यू करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जूता पहन के घुस सकते हैं? दोस्तों जैसा कि आप ये सांप देख रहे हैं जो कि मंदिर कैंपस के अंदर में घुसा हुआ है, ये एक धामन सांप है। आइए निकाल के दिखाते हैं ये कितना लंबा है। ये ब्लैक कलर का सांप है। लोग इसकी चाल को देखकर और इसकी साइज को देखकर और इसकी फुर्ती को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब हम इसको रेस्क्यू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये सांप कोने में जाकर बैठा हुआ है। अगर हम लोग किसी भी सांप को छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो भी हम पे हमला नहीं करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने इसे टच किया वैसे ये हम पे हमला किया। हेलो दोस्तों, ये जो स्नेक आप देख रहे हैं ये इंडियन रेड स्नेक है जिसको धामन सांप भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर चूहा खाता है और इसे ज़मीन में चूहे मेढक नहीं मिलते तो ये पेड़ में भी कभी कभार चढ़ जाता है और चिड़ियाँ और चिड़ियों के अंडों को खाने के लिए ये पेड़ में बहुत आसानी से चढ़ जाता है। आप देख सकते हैं ये 6 से 7 फीट लंबा धामन सांप है। धामन सांप टोटल 5-6 कलर में मिलते हैं। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग रंग का मिलता है। लोग इसकी साइज को और इसकी फुर्ती को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ये जहरीला सांप नहीं है। अगर आपके घर में सांप घुस जाए तो आप किसी लोकल स्नेक रेस्क्यूअर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं। अब इसको बिना परेशान करते हुए हम रेस्क्यू बैग में डालते हैं और रिलीज़ करते हैं। एक ही तो था ना? हाँ बेटा। देख सकते हैं बहुत आराम से ये